हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, आप मैं आपको आपकी जीके पढ़ाऊंगी। जीके यानी कि जनरल नॉलेज। मेरा नाम है प्रीति शर्मा और जनरल नॉलेज का मतलब आप लोग समझते होंगे। जनरल नॉलेज का मतलब है सामान्य ज्ञान, जो कि कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, है ना। तो यही इसी में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, या बोल सकते हैं फर्स्ट टॉपिक है आपका, क्या है? ट्रैफिक साइंस, है ना। ट्रैफिक साइंस का मतलब होता है कि जो यातायात के कुछ चिन्ह हैं, ठीक है। यातायात का मतलब जैसे कि आप रोडों पर देखते होंगे गाड़ियां चल रही हैं, ट्रक भी चल रहे हैं, पैदल भी लोग बाहर जाते हैं, साइकिल पे भी जाते हैं। तो उसके लिए उसकी ट्रैफिक सही से चले, एक्सीडेंट ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए कुछ क्या बना रखे हैं? साइंस बना रखे हैं, ना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इन साइंस के हिसाब से आप आराम से कहीं भी जा आ सकते हैं, है ना। तो इसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इसमें सबसे पहले जो आपका साइन दे रखा है वो क्या है? टू वे ट्रैफिक, है ना। टू वे का ट्रैफिक का मतलब है कि आप देख रहे होंगे दो तरफ ये एरो बने हुए, ना, इस तरफ को भी जा रहा है और नीचे की तरफ भी। तो यहाँ से भी गाड़ियां जा सकती हैं और इधर क्या कर सकती हैं? आ सकती हैं, ना। तो दोनों तरफ का जो ट्रैफिक है वो आराम से, यानी कि जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से वहाँ जा भी सकती हैं और आ भी सकती हैं, ना। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि दोनों तरफ एरो बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये टू वे ट्रैफिक है। दूसरा आपका साइन बना हुआ है, ये देख रहे होगे आप कि यहाँ पर पैदल व्यक्ति जा रहा है ना, तो इसका मतलब है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। पेडेस्ट्रियन का मतलब है कि आप इस चिन्ह पर या ऐसे जहां भी साइन बने होंगे वहां से आप क्या कर सकते हैं? पैदल जा सकते हैं। सेकंड लास्ट थर्ड वाला क्या है? आप देख रहे होंगे इस चित्र में क्या बने हुए हैं? छोटे छोटे बच्चे बने हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है? स्कूल अहेड। स्कूल अहेड का मतलब है कि यहाँ पर इसके पास में क्या है? स्कूल है। तो आपकी जो भी गाड़ी आप जा रहे हो तो उसको क्या करें? उसकी जो स्पीड है उसे कम कर दें, कि हो सकता है क्योंकि सामने क्या हो? बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि स्कूल है सामने, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो साइन है वो क्या दे रखा है? नो राइट, इस तरह से बना हुआ है और क्रॉस किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? नो राइट टर्न, यानी कि आपको राइट में टर्न नहीं होना है। फिर आपको दे रखा है एक हॉर्न बना रखा है, उसमें क्या कर रखा है? क्रॉस लगा रखा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हॉर्न नहीं देना है। फिर है ये इस तरह से रेलवे ट्रैक बना हुआ है, इसमें चित्र दिखाई दे रहा होगा रेलवे ट्रैक का, और इसका मतलब क्या है? रेलवे क्रॉसिंग, है ना। आपने देखा होगा कि रोड आप जाते हो तो कभी कभी रेलवे क्रॉसिंग भी आपको मिलती है, तो इसका मतलब पहले से ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या है? रेलवे क्रॉसिंग है। फिर नेक्स्ट है आपका स्पीड ब्रेकर है। अब आप जहाँ बड़ी बड़ी सड़कों पर आप जाते होंगे तो वहां पर आपको स्पीड ब्रेकर नहीं दिखाई देते होंगे। कॉलोनी में गए होगे या आप मार्केट वगैरह में जाते हो तो आपको क्या दिखाई देते हैं? स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर इसलिए बनाए जाते हैं कि जो आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो वहां पर कॉलोनी में या बाजार में ज्यादा तेज ना हो, जिससे कि एक्सीडेंट ना हो। तो क्या बना देते हैं? स्पीड ब्रेकर बना देते हैं। तो स्पीड ब्रेकर पहले से ही बता देते हैं कि आप अपनी जो गाड़ी की स्पीड है उसको क्या कर दें? कम कर दें, जिससे कि आराम से आप आगे जा सके। फिर है नेक्स्ट आपका है नो ओवरटेकिंग, है ना। नो ओवरटेकिंग का मतलब क्या है कि जो आप देखते होंगे सड़कों पे बड़ी बड़ी जब गाड़ियां जाती हैं तो वहां पर ओवरटेक ना करें, है ना, उसके आगे ना आए। तो इसका वहां पर लिख दिया जाता है कि नो ओवरटेकिंग, यानी कि वहां पर ओवरटेक ना करें। नेक्स्ट है आपका जिग जैग बैंड। जिग जैग बैंड का मतलब है कि आप कहीं से जा रहे हैं तो पहले ही आपको सूचित कर दिया जाता है कि आगे आपका टर्न सीधे नहीं जा सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा टेढ़ा मुड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आगे आप सीधे जा सकते हैं, ना। तो इसका मतलब क्या है? जिग जैग बैंड है, यानी कि आप पहले सीधे जाएंगे फिर हल्का सा आप मुड़कर फिर आप सीधे जा सकते हैं। तो ये जिग जैग बैंड का साइन है। फिर है आपका कुछ, आपने देखा होगा कि लोग कहीं कहीं काम करते रहते हैं, है ना, सड़कों पे भी काम चलता है या सड़क के किनारे काम चल रहा है। तो आप ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी सीधे स्पीड से जा रही है ना, तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए, किसी को लग सकती है। तो ऐसा चिन्ह बना होता है वहां पर कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैन एट वर्क, यानी कि कोई व्यक्ति वहां पर क्या कर रहे हैं? व्यक्ति काम कर रहे हैं। फिर क्या बना हुआ है? नैरो ब्रिज, है ना। अभी कभी आप जाते हो सड़कों पर तो नदी नाले पड़ते हैं, तो नदी नाले को पार करने के लिए क्या बनते हैं? ब्रिज बनते हैं। तो कहीं कहीं जगह कम होती है तो वहां पर कैसे ब्रिज बनाए जाते हैं? संकीर्ण, नैरो बनाए जाते हैं, छोटे से बनाए जाते हैं। तो आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आप ये जो आप आगे इसको रास्ते को पार करेंगे तो वहां पर ब्रिज कैसा होगा? नैरो होगा, है ना, पतला ब्रिज होगा जिससे कि आपको पार करना है। फिर
लास्ट में आपका जो चिन्ह बनाया हुआ है, साइन बना हुआ है, वो क्या बनाया हुआ है, उल्टा यू बनाया हुआ है और इसको क्रॉस किया गया है। इसका मतलब क्या है, नो यू टर्न, यानी कि आपको यहाँ से यू टर्न नहीं लेना है। तो ये कुछ आपके क्या बनाए हुए हैं, ट्रैफिक साइंस बनाए हुए हैं, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आप जहां भी जा रहे हो तो उससे पहले इन चिन्हों से आपको पता चल जाता है, सूचित हो जाता है कि आगे ये चीजें हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्वेश्चंस ऑफ इंडिया। क्वेश्चंस का मतलब होता है व्यंजन, है ना, व्यंजन। जैसे कि आपको मालूम है इंडिया के व्यंजन, आप अपने देश के बारे में जानते हैं कि हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, यहाँ के लोग विभिन्न तरह के हैं, विभिन्न तरह की यहाँ के कल्चर है, यहाँ की संस्कृति, फूड, खाना, खाद्यान्न वगैरह सब जगह का अलग अलग है ना। हम लोग जो नॉर्थ में रहते हैं उनका खाना अलग होगा और जो साउथ में रहते हैं उनका खाना अलग है। तो इसी प्रकार से इसमें से कुछ हमारे देश के जो फेमस व्यंजन हैं वो दे रखे हैं इस चैप्टर में। तो आपको मालूम है कि जैसे कि अगर आप नॉर्थ में जाते हैं, कश्मीर वगैरह में जाएंगे, तो वो इलाका कैसा होता है, ठंडा होता है, तो वहाँ के लोग अधिकतर कैसी चीज़ें खाते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं। आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर अधिकतर कैसा रहता है, गर्म मौसम रहता है, तो वहाँ के लोग अधिकतर कैसी चीज़ें खाते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं ना, चावल का सेवन आपने देखा होगा कि वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से कुछ व्यंजन हमारे इस किताब में दे रखे हैं। तो सबसे पहला क्या दे रखा है, थेपला, ढोकला, धनसर, खांडवी, गुजराती कड़ी, है ना। अब ये आपको समझ में आ गया होगा गुजराती कड़ी से, ये सारे व्यंजन कहाँ के हैं, गुजरात के हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा दे रखा है मसाला डोसा, इडली सांभर, अप्पम, रसम, पोंगल, चेटीनाड चिकन। तो आप मसाला डोसा इडली सांभर से समझ में आ गया होगा आप लोग को। रसम वगैरह कहाँ पर मिलती है, तमिलनाडु में, है ना, साउथ में तमिलनाडु में ये फेमस है। फिर नेक्स्ट आपका दे रखा है छोला भटूरा, है ना, मक्के की रोटी, मक्के की रोटी, सरसों का साग आपको समझ में ही आ गया होगा, राजमा चावल, अमृतसरी मछली और लस्सी, ये कहाँ के है फेमस डिशेज है, पंजाब की, ठीक है। इसी तरह से लिट्टी चोखा, सत्तू, पराठा, खाजा, तिलकुट और जलमुई मुरी, ये सारी चीजें कहाँ की हैं, बिहार की। हैदराबादी बिरयानी, कोरिकोरा, मिर्ची, सालन, घुनघुरू, पिक्कल बिरयानी, ये सारी चीजें कहाँ की हैं, आंध्र प्रदेश की। ये सारी डिशेस हम कहाँ की फेमस है, आंध्र प्रदेश की। फिर है दाल बाटी चूरमा, अब इससे समझ में आ गया होगा दाल बाटी चूरमा कहाँ की है, राजस्थान की, है ना। और उसके अलावा मलाई घेवर भी हमारे राजस्थान का ही फेमस है। फिर प्याज कचौरी आपने देखा होगा, प्याज कचौरी वहीं की फेमस है। गट्टे की सब्जी और कलाकंद, ये सारी डिशेस कहाँ की है, हमारी राजस्थान की। फिर पाक सफा, थकूपा, मोमोज, सियाल रोटी और गुंडरुक, ये सारी डिशेस कहाँ की फेमस है, सिक्किम की, है ना। ये डिशेस कहाँ की फेमस है, सिक्किम की। ऐसे ही वड़ा पाव, वड़ा पाव से आपको समझ में आ गया होगा ये कहाँ पर है, है ना, पाव भाजी, थाली पीठ, पूरन पुली, श्रीखंड, मोदक। मोदक आपको मालूम है गणेश जी को पसंद है, तो ये सारी चीजें कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र की, है ना। वहाँ पर गणेश जी, गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और मोदक गणेश जी को खिलाया जाता है। तो ये सारी डिशेस कहाँ की है, हमारी महाराष्ट्र की। फिर दोई मच, दाप, झिंगरी, संदेश और मिष्टी दही रसगुल्ला। रसगुल्ला से आपको समझ में आ गया होगा रसगुल्ला कहाँ का, कलकत्ता बंगाल में अधिक फेमस है ना। संदेश और मिष्टी धोई दही, जो मीठा दही फेमस है, वो कहाँ के लिए है, बंगाल के लिए, है ना। तो ये हमारे ये सारी डिशेस कहाँ पे पाई जाती हैं, वेस्ट बंगाल में। फिर है रोगन जोश, दम आलू, होकसा और याकनी, गुस्ताबा, कढ़ाई चीज और ताबक माछ, ये सारी चीजें कहाँ की है हमारी। आपने आपने दम आलू वगैरह सुना होगा, कश्मीरी दम आलू से ही दम आलू फेमस है। तो ये कहाँ से है, जम्मू और कश्मीर से।